गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो ऋषि जी इसकी धूप कितनी बढ़िया धूप हो रही है यहाँ पे। मम्मी बैठी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मौसी बैठी है, दूसरी मौसी नहाने गई है। और देखो हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे। ये बना रही है, ये आई है फ्रूट वाली। अभी हमने पपीता तोड़ा है, जस्ट दिखाते हैं। पेड़ है और हमने अभी पपीता तोड़ा है यहाँ से। और ये नींबू का पेड़ भी है। और दीदी बना रही है यहाँ पे पपीता। देखो कितना बढ़िया पपीता, ये है पपीते वाली, घर का पपीता। कितना अच्छा, नो केमिकल, सही बात है। इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होगा। और ये भी देखो माल्टा। और देखो पपीता कितना अच्छा हो रहा है। और ये काकू को देखो नहलाया। काकू ने क्या पहना है, काकू आज जादू बना है। और ये दो पागल हैं, साइकिल चला रहे हैं बच्चों की। और काकू ने उसका दिमाग खा दिया पूरा, भैया 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 बोल के वो उनके पीछे पड़ा है। देख उसके लिए लेके जा रहा है, भैया से इतना हो गया उसे, उसके लिए लेके जा रहा। और ये शायद अभी उठी है सो के। वाह वाह, अल्टीमेट अल्टीमेट। अब हम इसका बना रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे गढ़वाली में दीदी, कचमोली बना रहे हैं हम इसकी। कचमोली पहाड़ी लोग समझ जाएंगे कचमोली किसे बोलते हैं। अभी हम ये सब मिलाएंगे और फिर इसको मिला के सब बाटी लगेगी इसकी, फिर हम इसे खाएंगे मस्त। कितने बड़े कचमोली बोलते हैं इसलिए इसको। और वो वहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, कुछ नहा रहे हैं, कुछ कहीं कुछ कहीं है। और देखो कटा है पपीता, कटा नहीं है, उसकी कटोरी भी आ चुकी है बाटी लगने के लिए। ये निकालो ना उसका, एक थाली और ला। ये देखो गाइस, ये काम तो कम कर रहे हैं, खीखी ज्यादा कर रहे हैं। अच्छी यार, यहाँ भी देख लो। बोलो बोलो आप बोलो, अब तब क्या करना, तब क्या बोलना था, बना रहे थे हमने तो खाना है, जो बोलना था बोल दिया। और ठंडा होता वहां पे तो 3 मिनट ये खाने को यहां पे भी तभी कच्चा है। हमारी गीची तो इनके दांत है, इनको पानी पूरा टपक रहा है। हां हमारी गीची खाने के लिए तैयार है। यहां पूछ गाली मार रही है, पूछ गाली मार रही है। लक्ष्मी नींबू भी डाल दे इसमें, थोड़ा खट्टा हो जाए। ऐसे मारती क्या मम्मी मौसी यहां सबको, बोलने नहीं आता। ये गढ़वाली लून है, पिसा हुआ सिलबट्टे में। लून भी बता दे क्या होता है इसमें। जीरा, लून माने नमक, बता दे लून माने नमक होता है। नमक हिंदी में नमक बोलते हैं। जीरा भून के अजवाइन डालो, हरी मिर्च, नमक। मास्टर रेखा सेफ, बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या क्या डालो मिलाती मिलाती। बस नमक बनाना है, बस नमक। तिल भी डाल सकते हो, तिल डाल सकते हो, मलाई डाल सकते हो, किसी के पास दही भी डालते हैं बहुत से। दही डाल सकते हो, दही नहीं, दही भी डाल सही होते हैं। गुड़ डालते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। गुगु मत करो यार, ये भाई ये गिरा उसी से गिरा, यहीं से गिरा था। कंजूस होगा इसमें, चेक डलवाया उन्होंने। थोड़ी क्रीम पाउडर भी डालना है क्या इसमें? ना ना, क्रीम पाउडर नहीं डालने वैसे, कोई लोग मलाई भी डालते हैं। नमक डाल दो ना, अपनी अपनी इच्छा होती है। और ये देखो सब खाने के लिए, सबके मुंह में पानी आ रहा, सब खाने के लिए। ये देखो पूरा ध्यान है ही सबका, लोन पीसने के लिए पूरा ध्यान। कौन पीसेगा, कौन पीसेगा? एक दो पीस उधर को फेंक दो यार, जेजी के लिए मम्मी पापा के लिए। तुम्हारे बांटे का ही फेंकूंगी मैं, ऐसी की बोल रहे हैं। दो पीस फेंकने पर काम थोड़ी ना हो जाए, रख तो दिया मंदिर में, मंदिर में तो पापा जी के लिए रख। दो पीस के कीड़े सानी जा। बाल मौसी का अब शुरू हो गया खाना बनाने का टाइम। अब चावल साफ करने जा रही है मौसी, फटाक 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 स्नैप बनाएंगे। हो गया हमारे, वाओ वाओ वाओ। उसको बोलते हैं कचमोली, और खा के इसको ऐसा आनंद आएगा, आनंद ही आनंद। मैं मतलब शब्दों में जा रही। अब इसकी बाटी लग रही है, देखो नहीं आ रही, वो नहीं खाएगी। खाओ खाओ बच्चों, खाओ खाओ। जरा तुमसे लाए हम तुम्हें कचमली खिलाने। खा ले, कुछ मिर्ची नहीं हो रही। बुआ को सलवार बांधना पड़े अंदर जाके। देखो ना गिर गया था अभी। आजा इधर आजा इधर आजा। आज तो नया दिखा, मैं भी ट्रेन आ रही है, ट्रेन के मुसाफिर सो रहे। उठो ट्रेन लेट हो गई।
ट्रेन में सो रखे उठो उठो भाई उठो उठ जाएगा यार बाबू मत बचा सीट दो हमें भी डर गया बेचारा अब क्या लेके आ गए नई चीज ले आ रहा हूँ अब चाबी ले आए बेटा नहीं 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 बेटा एकदम आगे चली जाएगी वो गाड़ी चाबी से मत कर ऐसे करो हाँ अच्छा ऐसे शरारत करो फिर तेरी वीडियो बनेगी पूरी अब आएगा नहीं डर गया वो बुआ से पंगा ले सकता है रेखा का ऐसे क्या हमारे पर गंदगी पड़ेगी तो वाइपर से जाएगा गंदगी नहीं साफ है हम आ चुके हैं घर और हम निकले थे वहाँ से मतलब मंदिर के बाद शाम को तो अब हम घर आ चुके हैं ये अभी ऑफिस पे गए हैं कुछ काम से और मैं खाना बना रही हूँ उसके बाद अब बहुत मिस कर रही हूँ सबको क्योंकि हम सब साथ में रहते हैं तो बहुत मस्ती बहुत इंजॉय करते हैं किसी का भी मन नहीं करता अपने अपने घर जाने का हमारे लिए मौसी का घर एक ऐसा घर है जो हमारी मतलब बोलते हैं ना नानी के घर जाते हैं छुट्टियों में जाते हैं तो हम बचपन से ही मौसी के घर पे जाते हैं और मौसी बिल्कुल हमें नानी जैसा प्यार करती है तो लव यू मौसी लव यू और उसके बाद देख फिर आपको नई सुबह नई ब्लॉग के साथ मिलते हैं ये पे मैं एंडिंग करती हूँ बाय बाय क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ मिलते हैं बाय आपसे okay.